हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स के अंतर्गत कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? जब कोई शेयर होल्डर अपनी क्या नाम फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ अगर पे कर दे तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे इट इज़ द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड इन एडवांस बिफोर द अमाउंट इज़ ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर। ठीक है, मतलब अगर अभी ड्यू नहीं हुआ पैसा, लेकिन फिर भी कुछ पैसा रिसीव्ड हो जाता है तो हमारा कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा। कॉल्स इन एडवांस इज एडजस्टेड इन फ्यूचर एट द टाइम ऑफ रिलीवेंट कॉल। ठीक है, जब कॉल्स इन एडवांस को तब हम एडजस्ट करते हैं, फ्यूचर में एडजस्ट करते हैं, लेकिन जब कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड होता है तो उस अकाउंट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, और जब कॉल्स इन एडवांस मनी को हमें एडजस्ट करना होता है तो उस समय पर हम लोग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा सर अलॉटमेंट के साथ दे दिया, तो जब हम अलॉटमेंट की मनी रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट करेंगे, और जब हम क्या नाम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी की रिस्क का पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है कंपनी का एक्सपेंसिस है, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंसिस की तरह ट्रीट किया जाता है कॉल्स इन एडवांस मनी को, क्योंकि इसके ऊपर कंपनी 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करती है। देर इज़ नो क्वेश्चन लूजिंग द मेंबरशिप। कॉल्स इन एडवांस के केस में मेंबरशिप लूज होने का कोई भी खतरा नहीं रहता है, कोई भी खतरा नहीं रहता, क्योंकि कॉल्स इन एरियर के समय पर तो रहता है, क्योंकि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो कंपनी फॉरफिट कर सकती है और आपकी मेंबरशिप चली जा सकती है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस के समय पर ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, एंड देन मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम अकॉर्डिंग टू टेबल एफ के। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस इज शोइंग सेपरेटली इन द बैलेंस शीट एज अ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी अंडर द हेडिंग ऑफ करंट लाइबिलिटी। अंडर द हेडिंग ऑफ करंट लाइबिलिटी के हेड में अनटिल द कॉल्स आर मेड, जब तक कॉल्स मेड नहीं हो जाती, एंड द अमाउंट एक्चुअली बिकम पेबल बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, अब जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री होगी हमारी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 12% पर एनम के हिसाब से, और फिर उसको हम सरप्लस अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे, तो सरप्लस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बींग मनी ट्रांसफर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऑन 1 जनवरी 2018 रिबॉक लिमिटेड इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपी 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपी 10 ईच, 5 रुपी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 1 फेब को 3 रुपीज की और कॉल जो है 1 मई को 2 रुपीज की थी। एप्लीकेशन फॉर रुपीज 25,000 शेयर्स का पैसा फुली रिसीव्ड हो गया। दलजीत हु वॉज अलॉटेड 1,000 शेयर पेड कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, के समय पर उसने पूरा पैसा दे दिया 1,000 शेयर्स का। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग मनी रिसीव्ड 25,000 इंटू 5 के हिसाब से 1,25,000 रुपीज, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा हमारा being money transfer 1,25,000 rupees is
इसके बाद हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर, सो मनी ड्यू, सॉरी अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा है हमारा 3 रुपीज़ के हिसाब से 25,000 टू 3 के हिसाब से 75,000 रुपीज़। फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे 1,000 शेयर्स होल्डर हैं मिस्टर दलजीत, उन्होंने पे कर दिया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा विद अलॉटमेंट। तो हम कॉल्स एडवांस, जब पैसा रिसीव होता है तो कॉल्स एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जब एडजस्ट करना होता है तो कॉल्स एडवांस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। बीइंग मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट 75,000 का, कॉल्स एडवांस आ जाएगा हमारा 1,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 2,000 रुपीज़, 77,000 रुपीज़ अलॉटमेंट पर रिसीव्ड होते हैं हमें। फिर आएगी हमारी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू हमारी आ रही है होगी 25,000 शेयर्स इनटू 2 रुपीज़ के हिसाब से 50,000, और बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड, जो पैसा मिस्टर दलजीत ने पेमेंट कर दिया था उनके मनी को हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग फाइनल कॉल मनी एडजस्टेड। फाइनल कॉल मनी एडजस्ट होगी हमारी, फाइनल कॉल डेबिट थी 50,000 से क्रेडिट हो जाएगी 50,000 से, 2,000 रुपीज़ से क्रेडिट था तो 2,000 रुपीज़ हमने यहाँ डेबिट कर लिए, एंड देन 48,000 रुपीज़। कंपनी जो है इस पर इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग
इंटरेस्ट मनी पेड। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा हमारा, अलॉटमेंट फर्स्ट फेब की थी और फर्स्ट मई का हमारी कॉल थी, तो फर्स्ट मई का पैसा फर्स्ट फेब को दे दिया, तो फेब मार्च अप्रैल 3 महीने का हमें इंटरेस्ट मिलेगा 2000 रुपीज़ पर कंपनी को पे करना पड़ेगा। टू थाउजेंड पर 12% के हिसाब से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, ₹60। हमने आज कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक सीखा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।